राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में दमन में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। संघ प्रदेश दमन में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में दमन दीव स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी दमन एवं एक लम्हा जिंदगी के नाम फाउंडेशन ने साथ मिलकर दमन रक्तदान केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के तहत विविध कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें नर्सिंग कॉलेज में रक्तदान के महत्व को समझाते हुए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दमन दीव स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी एवं एक लम्हा जिंदगी के नाम के कर्मचारी एवं सदस्यों ने उपस्थित रहकर रक्तदान किया। आपका रक्त किसी का जीवन बचा सकता है, रक्तदान अवश्य करें। आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर यहाँ पे स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी और एक लम्हा जिंदगी के नाम फाउंडेशन के द्वारा वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया हुआ है। और इस कैंप के अंदर एरिस्टो फार्मा के जो स्टाफ है वो आके उन्होंने अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में हमने और भी कई अलग अलग कार्यक्रम रखे हुए, जो कि हमारे स्वास्थ्य सचिव श्री सज्जन सिंह यादव और हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब डॉक्टर वी के दास, इनके मार्गदर्शन में हमने विविध कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए हुए। आज शाम को 7:15 बजे दमन आकाशवाणी के ऊपर भी एक कार्यक्रम का प्रसारण होगा, तो सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप वो सुनिएगा, क्योंकि स्वैच्छिक रक्तदान के ऊपर महत्व के बारे में उसमें पूरा बताया गया है। दूसरा, हम लोगों ने विविध कॉलेजेस के अंतर भी कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ, सेमिनार रखे हुए, कार्यशाला रखी है। तो इस अवसर पर आज हमने नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी एक कार्यशाला का और आयोजन किया हुआ है, ताकि उसमें वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन के ऊपर का जो मेन महत्व है, क्यों देना है, क्या ज़रूरी है, और आज के अवसर पर सारे डोनर्स को, जितने भी डोनर्स हैं हमारे यहाँ पर, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि ऐसे ही आगे आके किसी ना किसी ज़रूरतमंद की ज़िंदगी का आप बचाव करते हो। तो पुनः सभी को मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ।